तो एलजी से रसीद कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, जिसको अब सरकार ने वापस ले लिया है, उस पर राजनीति और तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मामले में अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। सिसोदिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस मामले से जुड़ी जानकारी सीबीआई को भेज दी है। सिसोदिया ने कहा कि इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने जब नई आबकारी नीति तैयार की थी, उस समय अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे। इस नीति को 17 नवम्बर 2021 को लागू किया गया था। दिल्ली सरकार ने अब यह नीति वापस ले ली है और वह 1 सितंबर से अपने उपक्रमों के माध्यम से पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें संचालित करने की तैयारी कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि बैजल ने अपना रुख क्यों बदला, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ और सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की और जब दुकानें नहीं खुल पाईं, तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाईं लेकिन कुछ की खुल गईं, और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपये का फ़ायदा हुआ, हज़ारों करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गईं। इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था, उसको स्टैंड पर उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि DDAVC की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए मिलते, निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फायदा हुआ और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जाँच करेगी। सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने संविधान के हिसाब से ही नीति को मंजूरी दी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया के पीछे जांच एजेंसियां लग गई हैं, इसीलिए वह बौखलाहट में ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस रिंग लगी, तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी से रसीद कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते। इस बीच खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में गंभीर चूक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपीकृष्ण और उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के दानिक स्कैडर के 3 तदर्थ अधिकारियों और 6 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने आबकारी नीति के कार्यान्वयन में संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई कथित गंभीर चूक को देखते हुए यह निर्णय लिया है, जिसमें निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है। उपराज्यपाल सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय की ओर से दायर एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश पहले ही कर दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।